प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में प्रदेश भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकार पर युवाओं और किसानों के साथ धोखा करने, पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने, महिलाओं की असुरक्षा और अत्याचार तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आरोप जड़े। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया यहाँ जमीन पे चर्चा। दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है, ये हमारे श्रद्धे भैरोसिंह शेखावत जी का भी शताब्दी वर्ष है। हम आज भी उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए, और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। राजस्थान के कोने कोने में जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं भाजपा ने निकाली है, उन्हें बहुत जन समर्थन मिला है। ये साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। मैं राजस्थान के हर भाजपा कार्यकर्ताओं को और राजस्थान की जनता जनार्दन को इन सफल यात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज मैं जयपुर ऐसे समय में आया हूं जब देश का गौरव नए आसमान पर है। आज पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य की वाहवाही हो रही है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। G20 में भारत की सफलता से भारत के विरोधी देश भी हैरान है, परेशान है। भारत ने गणेश चतुर्थी के दिन अपनी नए संसद भवन से कामकाज शुरू किया है।
और नई इमारत में सबसे पहला काम भाजपा सरकार ने हमारी माताओं बहनों बेटियों को ही समर्पित किया है। अनेक दशकों से हमारी माताएं बहनें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की आस लगाए बैठी थी। माताओं बहनों की ये उम्मीद किसने पूरी की? माताओं बहनों की उम्मीद किसने पूरी की? किसने पूरी की? किसने पूरी की? ये आप मुझे बताइए, किसने महिलाओं को आरक्षण दिलवाया? महिलाओं को आरक्षण किसने दिलवाया? आपका जवाब गलत है। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है।